हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 2 देखेंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसको लिखने वाली जो राइटर हैं वो हैं डेबोरा कावले। इस लेसन का हम ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवेलिन ग्लेनी एक लड़की रहती हैं, लिसन्स सुनती हैं टू साउंड आवाज़ को विदाउट हियरिंग इट, बिना उसे सुने हुए वो उस आवाज़ को सुनती। किस तरह सुनती हैं इस लेसन में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। रश और क्राउड्स जसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो अंडरग्राउंड ट्रेन का प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ क्या रहता है, क्राउड्स बहुत ज़्यादा भीड़ रहती हैं। जसल वहाँ धक्का मुक्की लोग करते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर पोजिशन वहाँ जगह पाने के लिए। रश और बहुत ज़्यादा बिजी वक्त रहता है, रश के माने भीड़ होता है, उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे पोजीशन यानी जगह पाने के लिए, खड़े होने के लिए प्लेटफॉर्म पे। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट कहते हैं हल्का पतले दुबले को, अ स्लाइट गर्ल एक हल्की फुल्की लड़की छोटी सी, लुकिंग यंगर दिख रही थी, यंगर यानी जवान दिख रही थी, देन हर 17 ईयर्स 17 साल की उम्र से वो कम उम्र की दिख रही थी, यानी 17 की थी लेकिन उससे यंगर दिख रही थी, यानी और छोटी उम्र की वो दिख रही थी। वजह क्या थी, बहुत स्लाइट बहुत पतली दुबली थी। वॉज नर्वस, बहुत ज़्यादा क्या नर्वस थी, एट फिर भी एक्साइटेड बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी। वजह क्या थी उत्तेजित होने की, एज शी फेल्ट, क्योंकि वो महसूस कर रही थी द वाइब्रेशंस कंपन को ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन पहुँच रही थी उसकी अप्रोच को, उसकी पहुँच को वो फील कर रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस शानदार प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक की एक शानदार प्रतिष्ठित एकेडमी थी, वहाँ पर वो पहला दिन था उसका इन लंदन। कहाँ पे था, लंदन में। एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्ट के माने धोंसना डराना, यानी ये जो एकेडमी थी उसको डर दिखाने के लिए काफ़ी थी। इनफ फॉर एनी टीनेजर, किसी भी टीनेजर के लिए, फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, जो स्कॉटलैंड से यानी स्कॉटिश फार्म से वो आई थी, उसको डर दिखाने के लिए काफ़ी। वजह क्या थी, वो भी 17 साल ही की थी और पहली बार किसी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जा रही थी, उसका पहला दिन था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग आकांक्षी महत्वाकांक्षी, यानी किसी चीज़ को पाने की जो ख्वाहिश तमन्ना करता उसको बोलते हैं एस्पायरिंग। ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन ये लड़की थी, फेस्ड उसने सामना किया था अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, उसने अपनी ज़िंदगी में इससे भी बड़ा चैलेंज उसने फेस किया था, उसका सामना किया था। वो चैलेंज क्या था, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो पूरी तरह से क्या बहरी थी, सुन नहीं पा रही थी, प्रोफाउंडली यानी पूरी तरह से, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इस मुसीबत उसने झेला था, इसलिए मुसीबत उसके सामने कुछ भी नहीं थी। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, जो उसकी लॉस ऑफ हियरिंग थी, सुनने की शक्ति ख़त्म हुई थी, हैड बीन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती हैं, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उन्होंने देखा तो गड़बड़ है। वेन द 8 ईयर ओल्ड एवेलिन, जब 8 साल की एवेलिन वॉज वेटिंग, इंतज़ार कर रही थी टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा, एंड शी डिड नॉट मूव, और वो हिली भी नहीं, जब उसकी माँ ने उसका नाम पुकारा एवेलिन पियानो बजाओ, तो उसने सुना भी नहीं और वहाँ अपनी जगह से हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज, उसकी माँ कहती है मैंने अचानक महसूस किया, शी हैड नॉट हर्ड, उसने सुना नहीं है, सेज इसाबेल ग्लेनी, उसकी माँ इसाबेल ग्लेनी थी वो कह रही हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ दिनों तक, कुछ समय तक एवेलिन मैनेज्ड, एवेलिन ने मैनेज किया टू कंसील, छिपाना हर ग्रोइंग डीफनेस, अपनी बढ़ती हुई बहरापन को उसने छिपाया, फ्रॉम फ्रेंड्स दोस्तों से, एंड टीचर्स और अपने टीचर्स से उसने कुछ दिनों तक छिपाया। बट बाई द टाइम, लेकिन वक्त के साथ साथ शी वॉज 11, वो 11 साल की हो गई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेट, उसका जो नंबर था वो क्या डिटेरियोरेटेड, बहुत ज़्यादा ख़राब होता गया। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, अर्ज्ड, उसने आग्रह किया हर पेरेंट्स, उसके वालिदैन, उसके माता पिता से, टू टेक हर, कि उसे ले जाएं टू अ
स्पेशलिस्ट उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, विशेषज्ञ के पास उसको चेक करवाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब उसके बाद डिस्कवर्ड मालूम हुआ लोगों को दैट की हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, उसकी जो हियरिंग है सुनने की शक्ति सीवियरली बहुत ही गंभीर तरह से इम्पेयर्ड क्षति हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो क्यों बहरी हुई आगे बताया जा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसकी जो तंत्रिका थी उसके ख़राब होने से डैमेज होने से वो धीरे धीरे बहरी होती गई। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई दैट की शी शुड बी फिटेड, उसको फिट करवाना चाहिए विद हियरिंग एड्स, एड्स कहते हैं सहायता मदद को, यानी उसको सुनने के लिए कुछ लगवा देना चाहिए उसके कान में कोई मशीन वगैरह, एंड सेंट टू अ स्कूल, और उसे स्कूल भेज देना चाहिए फॉर द डीफ, जहाँ बहरे लोगों को पढ़ाया जाता है। एवरी थिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर एक चीज़ अचानक से काली दिखने लगी, सेज एवेलिन, एवेलिन कहती है। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, गिव अप के माने छोड़ना, यानी एवेलिन कहती है वो तैयार नहीं थी छोड़ने के लिए, किस चीज़ को, अपनी जो ख्वाहिश थी उसको पूरा करने के लिए। शी वॉज डिटर्मिंड, उसने निश्चय किया टू लीड, कि वो लीड करेंगी रहेंगी अ नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य ज़िंदगी की तरह वो अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, परसू के माने लक्ष्य का पीछा करना, और अपने वो लक्ष्य को का पीछा करेंगी, हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, जो उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में था। वन डे, एक दिन शी नोटिस्ड, उसने देखा अ गर्ल प्लेइंग, एक लड़की बजा रही थी अ ज़ाइलोफोन, एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया दैट की शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, वो उस ज़ाइलोफोन को बजाना चाहती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत से जो उसके टीचर्स थे उसको क्या डिस्करेज्ड किया, उसको हताश किया, निराश किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। बट लेकिन परक्यूजनिस्ट जो तालवादक थे, जो तबला वबला बजाने वाले टीचर उसके थे, रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी जो शक्ति थी उसको उसने स्पॉटेड देख लिया था, वो समझ गए थे ये लड़की कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दोनों ड्रम को अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना शुरू कर दिया था। डोंट लिसन, मत सुनो, थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ही उड से वो कहते थे उनके जो टीचर थे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कुछ दूसरे तरीके से इसको सेंस करो, महसूस करो, सेज एवेलिन, एवेलिन कहती है। सडनली, अचानक आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती हूँ द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, जो मेरा वेस्ट है, कमर है, उसके ऊपर से मैं उसके हायर ड्रम, जो उच्च ड्रम है उसको मैं फील कर सकती हूँ, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो वेस्ट के निचला हिस्सा है, कमर का निचला हिस्सा है, उसको लोअर जो ड्रम है उसको मैं महसूस कर सकती हूँ। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो फॉब उसके उस्ताद थे रिपीटेड, और उसने दोहराया द एक्सरसाइज, अभ्यास को उसने दोबारा दोहराया। एंड सून, और जल्द ही एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, एवेलिन को जल्दी ही मालूम हो गया, डिस्कवर्ड मालूम हो गया दैट की शी कुड सेंस, वो सेंस यानी महसूस कर सकती सर्टेन नोट्स, कुछ निश्चित स्वर इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्से में ऑफ हर बॉडी, उसके जिस्म के, वो जिस्म के अलग अलग हिस्से से कुछ ना कुछ सर्टेन नोट्स जो हैं उसको महसूस कर सकती है, भले ही वो ना सुन पाती हो। आई हैड लर्नड, मैं सीख चुकी थी टू ओपन, खोलना माई माइंड, अपने जहन को एंड बॉडी, और अपने जिस्म को टू साउंड्स, स्वर के लिए, आवाज़ के लिए, एंड वाइब्रेशंस, और उसकी जो ध्वनि है, उसके जो कंपन है, उसको मैं अपने अलग अलग बॉडी के हिस्से से भी सुन सकती हूँ, और जो मैं माइंड उसको किस तरह खोलना है वो उसके बारे में उसको आइडिया हो गया था। द रेस्ट वॉज शीयर, और जो बाकी चीज़ें थी वो सिर्फ क्या थी, शीयर डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा था, एंड हार्ड वर्क, और सख्त कड़ी मेहनत थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, दैट पॉइंट यानी उस जगह से उसने कभी पीछे मुड़कर कभी ना देखा उसने। शी टूअर्ड, उसने यात्रा की द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम का सफ़र किया। एंड बाई द टाइम शी वॉज 16, उस वक्त उसकी उम्र 16 साल थी। शी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, संगीत को अपनी ज़िंदगी बनाएगी, उसने क्या निश्चय किया कि संगीत को अपनी ज़िंदगी बनाएगी। शी ऑडिशन, उसने ऑडिशन दिया
फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक उसने अपना ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड, और उसने स्कोर किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आई इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस एकेडमिक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा उसी का नंबर था। शी ग्रेजुअली मूव्ड, वो धीरे धीरे वहाँ से गई, फ्राम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रा से वो कहाँ चली गई, सोलो परफॉर्मेंस में, सोलो यानी अकेले का परफॉर्मेंस होता है वो, और ऑर्केस्ट्रा में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ से मूव करके ऑर्केस्ट्रा से सोलो में चलेगी परफॉर्मेंस में। एट द एंड, आखिर तक ऑफ हर थ्री ईयर्स कोर्स, तीन साल के कोर्स में उसने, शी हैड कैप्चर्ड, उसने कब्जा कर लिया था मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने बड़े बड़े अवार्ड्स को उसने अपने कैप्चर में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवेलिन वोंट एक्सेप्ट, एवेलिन ने कबूल नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, क्या चीज़, एनी हिंट, कोई भी संकेत ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, ये बहादुरी की उपलब्धि को किसी भी तरह से उसने कबूल नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं, आई नो, और जानते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ ज़रूर पहुँचोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो उस बुलंदी तक पहुँच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर, दुनिया के सबसे पॉपुलर, सॉट आफ्टर में बहुत ही पॉपुलर, मल्टी परक्यूजनिस्ट, मल्टी यानी डिफरेंट काइंड ऑफ परक्यूजनिस्ट, यानी अलग अलग किस्म के जो तबला बजाने वाले होते हैं, विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स, उसने 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी हासिल कर ली थी, यानी उस पर बहुत ज़्यादा माहिर हो गई थी। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जो गाना बजाने वाले आलात होते हैं, जितने भी होते हैं, पियानो हो गया, ड्रम वगैरह, जितने भी उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक यानी बहुत ही बिजी, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल कार्यक्रम में। इट इज़ इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग यानी दिलचस्प, यह बहुत दिलचस्प था टू वॉच, देखना एवेलिन, एवेलिन को फंक्शन, एवेलिन का जो फंक्शन था उसको देखना इतना ज़्यादा दिलचस्प था। सो एफर्टलेसली, बिना थके हुए, विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए, यानी ना वो सुन पाती है और बिना थके हुए वो अपना काम करती है, उसको देखना बहुत दिलचस्प लगता है। इन आवर टू आवर, हमारे दो घंटे डिस्कशन जो बातचीत थी, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक लफ्ज़, एक वर्ड भी मिस नहीं किया, उसको ऐसा नहीं कि दो घंटे हमने बात की कोई भी वर्ड उसको सुनाई ना दिया हो, सबको उसने सुना ढंग से, जिस तरह वो सुनती थी, ठीक है। मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, बुशी बियर्ड्स यानी घनी दाढ़ी, ऐसे आदमी मुझे क्या देते हैं, ट्रबल यानी कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं। शी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये सिर्फ होंठों को देखना नहीं होता है, इट इज़ द होल फेस, पूरा चेहरा होता है, स्पेशली द आइज़, ख़ास तौर पर आँखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बिना लड़खड़ाए बोलती है, फर्राटेदार, विद अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश लहजे में वो बात करती है, बिना लड़खड़ाए, एकदम फ्लॉ के साथ। माई स्पीच इज़ क्लियर, जो मेरी बात है वो एकदम साफ है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11, जब तक मेरी उम्र 11 साल की थी तब तक मैं बातों को सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती है, बट लेकिन दैट डज नॉट एक्सप्रेस, लेकिन ये समझ में नहीं आता, हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, उसने कैसे फ्रेंच सीखा, एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, और उसने जैपनीज़ के कुछ जो बेसिक चीज़ें थी वो जान ली थी, ये मुझे नहीं समझ में आया। एज फॉर म्यूज़िक, जहाँ तक संगीत की बात है, शी एक्सप्लेन्स, वो बताती है, इट पोर्स, पोर्स के माने उंडेलना, जब हम गिलास वगैरह में पानी डालते उसे बोलते हैं पोर्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये जो संगीत है, म्यूज़िक है, वो मेरे जो बॉडी है उसके हर एक हिस्से, हर एक पार्ट से दाखिल होता है मेरे जिस्म के अंदर। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल के माने सनसनाना, झनझनाना, झुंझुनाहट के माने में आता है। इट टिंगल्स इन द स्किन है, जो मेरी चमड़ी है उसमें ये क्या करता है, सनसनाता है। माई चीक बोन्स, मेरे जो गाल की हड्डी उसमें भी ये क्या करता है, झनझनाता है। एंड इवन इन माई हेयर, और जो मेरा बाल है उसमें भी। वेन शी प्लेज, जब वो बजाती है द ज़ाइलोफोन, ज़ाइलोफोन जब बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड, वो महसूस कर सकती है साउंड को, पासिंग अप, गुजरते हुए, द स्टिक, स्टिक से इन टू हर फिंगर टिप्स, उसके फिंगर में किस तरह से जाती है वो महसूस कर सकती है, उसके स्टिक के थ्रू से जाती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, वो ड्रम पे झुके हुए, लीन के मान झुकना, ड्रम पे झुके हुए, शी कैन फील, वो महसूस कर सकती है द रेजोनेंसेज, रेजोनेंसेज यानी उसकी ध्वनि, जो उसकी
गूंज है उसको महसूस कर सकती है, फ्लोइंग बहते हुए इन टू हर बॉडी, उसके जिस्म में वो महसूस कर सकती है किस तरह उसके बॉडी में चल रही है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के स्टेज पे, शी रिमूव्स, वो उतार देती है हर शूज़, अपने जूते को। वजह क्या होती है उतारने की? सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास, जो वाइब्रेशन है, जो ध्वनि है, वो गुजरे थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पैर से, एंड अप हर लेग्स, उसके टांगों में वो चली जाए। इसी वजह से वो जब लकड़ी का वो प्लेटफॉर्म होता है, स्टेज होता है, तो वहाँ उतार देती है अपना जो जूता वगैरह रहता है। नॉट सरप्राइजिंगली, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। एवेलिन क्या डिलाइट्स, प्रसन्न करती है, खुश करती है अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को। इन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड, उसे पुरस्कार दिया गया विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज, फिलहारमोनिक सोसाइटी का जो अवार्ड था उसे दिया गया प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित शानदार सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उस साल का सोलोइस्ट अवार्ड जो था उसको दिया गया। कौन सा अवार्ड था? फिलहारमोनिक सोसाइटी का। सोलोइस्ट के माने एकल वादक। सेस मास्टर, अब उसके जो मास्टर टीचर थे वो कहते हैं, वो क्या थे? तालवादक थे। क्या थे? तालवादक यानी परक्यूजनिस्ट जेम्स ब्लिट्स। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भले ही भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उसे कुछ कुछ चीज़ें दी है जो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण, बहुत ही हैरत ज़दा कर देने वाली चीज़ें, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी वो किसी के पास नहीं, सिर्फ इसी के पास ही है। वाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसे महसूस करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, हम में से किसी से भी ज़्यादा गहरे से वो चीज़, उस चीज़ को वो क्या फील, महसूस कर सकती है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से शी एक्सप्रेसेस, वो प्रदर्शित कर सकती है म्यूज़िक, संगीत को सो ब्यूटीफुली, बहुत ही खूबसूरती के साथ, हम जो सुनते हैं वो बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराई से महसूस कर सकती है हमसे ज़्यादा। एवेलिन कन्फेसेस, एवेलिन स्वीकार करती है, मानती है दैट कि शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, वो काम में कुछ डूबी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे सिर्फ काम करना है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन जो पुराने म्यूजिशियन संगीतकार, उनसे भी ज़्यादा सख्त मेहनत करनी है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, जो रिवार्ड्स है, जो पुरस्कार है, बहुत ज़्यादा हैं। अपार्ट फ्राम द रेगुलर कंसर्ट्स, अपार्ट मतलब दूर, फ्राम द रेगुलर लगातार जो नियमित इसके कंसर्ट्स प्रोग्राम हुआ करते थे संगीत के, उससे दूर। एवेलिन आल्सो गिव्स, एवेलिन जो देती थी फ्री कंसर्ट्स, फ्री का जो प्रोग्राम हुआ करता था संगीत का, कहाँ पर दिया करती थी? इन प्रिजन्स, जेलखानों में, एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में। उसके अलावा भी ये यहाँ भी काम करती थी। शी आल्सो गिव्स, वो देती भी थी क्या चीज़, हाई प्रायोरिटी, बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता, टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो नौजवान म्यूजिशियन थे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी, प्राथमिकता दिया करती थी। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड, बीथोवन फंड की एन रिचलिन फॉर डीप चिल्ड्रेन सेज, बच्चों के लिए वो कहती हैं, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो एक जगमगाता हुआ, एक चमकती हुई क्या इंस्पिरेशन, प्रेरणा है, किन के लिए? फॉर डीप चिल्ड्रेन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी, वे जानते हैं, लड़के जानते हैं दैट कि देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे क्या जानते हैं कि उनके लिए जाने के लिए कोई जगह नहीं है। नाउ वेयर के माने कहीं भी नहीं, ठीक है। एवेलिन ग्लेनी, एवेलिन जो ग्लेनी थी, हैज़ ऑलरेडी, वो पहले ही से अकम्पलिश्ड उपलब्धियाँ हासिल कर ली थी, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उसके दुगने एज के लोगों से ज़्यादा उसने उपलब्धियाँ हासिल कर ली थी। अगर वो 17 साल की थी तो उसका डबल एज 34, 34 साल की उम्र से भी ज़्यादा लोगों की उपलब्धियाँ जो होती है वो हासिल कर ली थी इतनी ही एज में उसने। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, शी हैज़ ब्रॉट, वो ला चुकी थी परक्यूजन, तालवादन को, टू द फ्रंट, सामने ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के सामने वो ला चुकी थी, ठीक है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और उसको प्रदर्शित कर चुकी थी दैट कि इट कैन बी वेरी मूविंग, ये जो है परक्यूजन है, तालवादन है, क्या बहुत ही दिलचस्प हो सकता है। मूविंग, मूविंग के माने दिल को छूने वाला हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उसने प्रेरणा दी थी टू दोज, उन लोगों को हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं यानी जो लूले लंगड़े लोग, उसको उसने प्रेरणा दी थी। पीपल, लोगों को, हु लुक टू हर एंड से, जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं,
इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, एंड और नॉट द लीस्ट, उससे कम तो नहीं कर सकता. शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने दिया था, शी हैज़ गिवन, उसने दिया था इनॉर्मस, बहुत ही ज़्यादा प्लेजर, खुशी, टू मिलियंस, लाखों करोड़ों लोगों को उसने बहुत ही ज़्यादा खुशी दी थी. उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.